एटा शहर के निधौली रोड पर अपंजीकृत क्लिनिक पर गलत उपचार से युवक की मौत हो गई। मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने शव मार्ग पर रखकर जाम लगाया। सूचना पर पहुंचे लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा था, उसी समय पथराव शुरू हो गया। पथराव में सदर एसडीएम भी घायल हो गए हैं। तो खबर आपको एटा से बता रहे हैं, जहां गलत उपचार के चलते युवक की मौत हो जाती है। आपको बता दें, इससे गुस्साए परिजनों ने शव रख करके रोड को जाम किया और इसके बाद आपको बता दें कि पथराव भी किया गया है। पथराव में एसडीएम के घायल होने की भी खबर है। तो एटा से खबर आपको बता रहे हैं, एक अपंजीकृत अस्पताल में एक युवक का इलाज चल रहा था, जहां गलत उपचार से युवक की मौत हो जाती है। उसके बाद गुस्साए परिजनों ने शव रख के रोड जाम भी किया और उसके बाद पथराव भी किया गया है, जिसमें एसडीएम के घायल होने की खबर है। आपको बता दें कि किसी तरीके से समझा बुझा के जो परिजन है उनको शांत कराया गया। तो एटा से खबर आपको बता रहे हैं, एटा में पथराव में एसडीएम के घायल होने की खबर है। आपको बता दें, अपंजीकृत अस्पताल में गलत इलाज से युवक की मौत हो गई। परिजनों ने रोड जाम भी किया है। आपको बता दें कि इस दौरान पथराव भी किया गया और पथराव में एसडीएम के घायल होने की खबर है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।